प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज छत्तीसगढ़ आएंगे। आयकर विभाग की कार्रवाई पर चल रही सियासी सरगर्मी के बीच एक दिन के दौरे पर रायपुर आएंगे प्रभारी पुनिया। घोषणा पत्र कमेटी की लेंगे बैठक। इस बैठक के साथ ही आयकर छापे पर भी हो सकती है गोपनीय बैठक और चर्चा। तय कार्यक्रम के अनुसार 3:40 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज शाम ही वापस दिल्ली रवाना होंगे। अधिक जानकारी के लिए हेमंत हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर पूरी? हाँ, देखिए, आयकर विभाग के छापे के बीच छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 1 बजे के आसपास प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद वो घोषणा पत्र समिति की बैठक लेंगे। घोषणा पत्र समिति की बैठक लेकर कितना काम जो घोषणा पत्र में हुआ है उसकी वो समीक्षा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था विधानसभा चुनाव में, बहुत सारी जो घोषणाएं और मांग है वो पूरी हुई है, तो और किन किन चीजों को पूरा करना है सभी चीजों को लेकर राय शुमारी होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और जो अभी सरगर्मियां चल रही है आयकर छापे को लेकर, उस पर गोपनीय बैठक प्रदेश के जो तमाम नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके साथ हो सकती है। आयकर छापे को लेकर चर्चा भी हो सकती है। और कांग्रेस जिस तरीके से आयकर छापे के विरोध में कल आयकर दफ्तर का घेराव कांग्रेस ने किया था, एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ था, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर भी जरूर वहां पर चर्चा हो सकती है। रितु, क्या लगता है, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि हम देखे 72 घंटे से ऊपर हो चुका और लगातार कार्रवाई भी जारी है और कल प्रदर्शन भी हुआ और प्रदर्शन उन्होंने रोका और कहा साफ तौर पर सारे कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, कार्रवाई यहां पर नहीं रोकी गई तो आगे और उग्र प्रदर्शन हम करेंगे। तो क्या लगता है, इसके लिए रणनीति बनाएंगे क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आगे की रणनीति जरूर बनाई जाएगी, क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दिल्ली कल रवाना हुए थे, हालांकि खराब मौसम की वजह से उनका जो फ्लाइट है वो दिल्ली में लैंड नहीं कर पाया था, जयपुर वो चले गए थे, जयपुर से फिर उन्हें रात को वापस रायपुर आना पड़ा। सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम उनका बना था और सोनिया गांधी से मुलाकात कर वो वर्तमान परिस्थिति जो छत्तीसगढ़ में चल रही है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर वहां पर वो सोनिया गांधी से चर्चा करने वाले थे और यहाँ के राजनीतिक हालात को बताने वाले थे, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द हो गया था। अब फिर से ये कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कि दिल्ली जाकर तमाम दिग्गज नेताओं से वहां पर रायशुमारी की जाए, उनको यहाँ के राजनीतिक हालात को बताया जाए, तो आज ये तय हो जाएगा कि आगे इस मामले में कांग्रेस क्या करने वाली है। घोषणा पत्र कमेटी की बैठक भी होने जा रही है हेमंत, उसके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन शामिल होने वाला है? देखिए, इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया तो मौजूद रहेंगे ही, इसके अलावा कई जो दिग्गज मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में वो शामिल हो सकते हैं। घोषणा पत्र समिति के जिस तरह पूरा घोषणा पत्र को यहाँ पर जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं टी सिंह, उन्होंने बनाया था, तो वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहाँ पर क्रियान्वयन कितना हुआ है घोषणा पत्र में अभी तक उसको लेकर वहाँ पर समीक्षा की जाएगी और आगे किस तरीके से उन घोषणाओं को पूरा करना है उसकी भी रूपरेखा वहाँ पर बनाई जाएगी। तो चलिए हेमंत, लगातार आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और जन्म चयन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है, यहाँ बाइक सवार